हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बिल्कुल मस्त होंगे तो देखो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एन के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि पाँच तारीख तक ए, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है अभी तक कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं जारी किया गया सब्जेक्ट वाइज कि कौन से तारीख को कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा और एन ने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया था तो उस टाइम इसने बता दिया था कि पंद्रह दिन पहले एग्जाम से पंद्रह दिन पहले सब्जेक्ट वाइज़ एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसी के साथ एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यदि आप यू जी सी नेट की बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो आपका टारगेट है जेरफ निकालना आपका टारगेट है नेट निकालना और आप केवल और केवल यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है जेरफ का या नेट का इससे बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो और बहुत शानदार तरीके से बहुत गजब वाली तैयारी करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो अपने सभी जिगरी दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो, ठीक है क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से यू जी सी नेट के पेपर को हंड्रेड परसेंट हर तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक वे में हम बैच भी चलाते हैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं ये सारी सुविधाएं हम यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं और वो भी इस तरीके से कि आप बिल्कुल आसानी से जे आर एफ क्वालिफाई कर जाएँ ठीक है तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं देखो देखो पहले ऐसे था कि भाई पाँच नवंबर तक सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और हमारे मन में एक क्वेश्चन और बन रहा था कि यार पाँच तारीख तक इसलिए जारी नहीं किया गया होगा कि भाई दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं तो पता नहीं इस वजह से नहीं हुआ होगा तो और हाँ मैं एक बात और बता दूँ मैंने भी इस ड्यूरेशन में चार तारीख से और अब तक मैंने कम से कम सो बार कॉल कर लिया होगा एन के ऑफिशियल जो नंबर है उनके ऊपर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते उनका कोई कॉल अटेंड नहीं करते वो लोग ठीक है तो अब मैं बता दूं हमारे मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार अभी तो दिवाली की है इस वजह से एन टी ए नोटिस नहीं जारी कर रही होगी देखो मैं मेरे साथियों आपको बता दूं मैं एन टी ए ने 6 नवंबर 2021 को पीजी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का वो डाला है ठीक है इसके अलावा 5 नवंबर को एन टी ए ने फिर एक नया नोटिस डाला है पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के लिए तीन नवम्बर को <coughs> आंसर की रिलीज से रिलेटेड uh, एक नोटिफिकेशन डाला एनटीए एन टी ए ने तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आ, ये देखो तीन नवंबर का ये नोटिफिकेशन रहा ये दो नवंबर का नोटिफिकेशन रहा तो एन टी ए इन जो छुट्टियों का जो टाइम पीरियड था पाँच छः इनको भी नोटिस जारी कर रहा है लेकिन जो नेट का एग्जाम है उसके संबंध में वो कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा अब वो क्यों नहीं कर रहा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये हम तब कहेंगे ना जब वो हमारे फ़ोन को अटेंड करें लेकिन और हाँ मैंने बहुत अलग अलग नंबरों से भी ट्राई किया था कि वो चलो दूसरे नंबर को अटेंड करें लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे किसी फ़ोन को नहीं अटेंड कर रहे वो बस नेट के एग्जाम के अलावा वो सारे के सारे नोटिफिकेशन रेगुलर रिलीज करते जा रहे हैं ठीक है तो ये था सारा सारा इसके बारे में बातें लेकिन तैयारी को कंटिन्यू रखो उन लोगों का कोई पता नहीं कुछ पता नहीं वो कब नोटिफिकेशन जारी कर दे क्योंकि उनको तो केवल एक एंटर दबाने की जरूरत है जैसे ही एंटर दबाएंगे तुरंत नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा अगले एक मिनट में हमारे तक पहुंच जाएगा तो उनको टाइम नहीं लगने वाला लेकिन हमें तैयारी करने में टाइम लगता है तो अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल रेगुलर बने रहें पढ़ाई के ऊपर ठीक है क्योंकि सपना है जरफ निकालना और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है हमें तैयारी करने के लिए और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलता जा रहा है हमारी तैयारी में निखार लाने का मौका मिलता जा रहा है ठीक है तो तैयारी को बिना छोड़े हुए बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी रखें वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते ठीक है तो मैं तो यही कहूँगा हम रेगुलर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से जैसे कॉन्टैक्ट हो पाएगा हम तुरंत वीडियो बना देंगे इसके अलावा यदि हमें कोई भी नई जानकारी मिलती है तो हम उसका तुरंत वीडियो बना देंगे अब इसके अलावा मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं देखो मैं नेट के फर्स्ट पेपर के टोटल दस मोक टेस्ट लेके आया हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है ये टोटल दस मोक टेस्ट है अब इन दस मोक टेस्टों के मैं दो तीन फायदे बता देता हूँ आपके पहला जिसको हम सबसे बड़ा फायदा कह सकते हैं देखो फर्स्ट पेपर में वहां पर हमारे साथ टाइम की प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, है तो ये जो मेरे दस पेपर है ना बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किए हुए हैं जिस तरीके का दो में नेट का पेपर आया था लेंथी क्वेश्चन डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज करना डिफिकल्ट डिफिकल्ट कीवर्ड्स का यूज करना क्वेश्चन की लेंथ लंबी रखना बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैंने ये सारे के सारे पेपर तैयार किए आप देख सकते हो हर क्वेश्चन की लेंथ देख सकते हो क्वेश्चन का ठीक है थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो खुलेगा देखो ये खुल गया ये मैंने इसका सॉल्यूशन खोल दिया ये पेपर चालू हो गया देखो हमने बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके से तैयार किए जिस तरीके से पेपर में आते हैं ठीक है आप देख सकते हो क्वेश्चन की लेंथ भी हमने उसी तरीके से रखी है कीवर्ड भी हमने बहुत स्पेशली फोकस रखा है कि कीवर्ड भी हम डिफिकल्ट यूज़ करें क्योंकि पेपर में आजकल डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स का यूज़ होने लग गया है तो सबसे मेन बात यह है कि यदि आप हमारे ये दस मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको पेपर देने से पहले पहले टोटल दस बार पेपर देने का एक्सपीरियंस हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं यहां पर हमने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं साथ ही साथ यहां पर हमने प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ऐड किया है जैसे आप देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन है देखो कितना लंबा सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया तो यहां पर हमने प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है तो उससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है तो यहाँ पर हमने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का फुल डिटेल वाला सोल्यूशन दिया है तो उससे जायज सी बिल्कुल डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बनेंगे ठीक है तो ये दस मोक टेस्ट वो मोक टेस्ट हैं जहां पर हमने अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किए हैं और जहां से पेपर में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं ठीक है तो इस तरीके से ये नेट के फर्स्ट पेपर के दस मोक टेस्ट हैं इसके अलावा आप यदि जियोग्रोफी सब्जेक्ट्स हैं तो ज्योग्रोफी के मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं जैसे जियोग्रोफी मॉक टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो आप ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं अब आप बोलोगे कि सर इनका चार्ज क्या देखो नेट के फर्स्ट पेपर का चार्ज हमने ओनली पचास रुपये रखा है मात्र पचास रुपये मतलब एक मॉक टेस्ट ओनली पाँच रुपये में अब आप सोच सकते हो कितनी कम कीमत रखी हमने और वो भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पेपरों के इसके अलावा मैं बता दूँ ज्योग्राफी के जो दस मोक टेस्ट हैं वो भी मात्र पचास रुपए में ठीक है यहाँ पर भी हमने बिल्कुल अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है ठीक है तो ये था सारा का सारा सिस्टम मोक टेस्ट के रिगार्डिंग तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर ले और सबसे मेन बात यदि आपका टारगेट है जी निकालना आपका टारगेट है नेट निकालना तो प्लीज एक बार इन मॉक टेस्टों को जरूर लेके देखें और अब भी आपके पास टाइम है ज्यादा भी ना तो पाँच सात पेपरों को तो जरूर सोल्व करके देखें जिससे आपको आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा और सबसे खास बात बता दूं आप जितना स्कोर यहाँ पर करोगे बिल्कुल हंड्रेड परसेंट उतना ही स्कोर आप पेपर में करेंगे क्योंकि पेपर का पैटर्न पेपर का लेवल बिल्कुल पेपर के जैसा है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो थैंक्स देखने के लिए धन्यवाद बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना